गेस्ट विस विस अलिकति एक्सप्लेन गर्न पाइन्छ? कुनै दिन नेपाली फिल्म चाहिँ मेरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै होस् नेपाली फिल्म मैले गरेको अथवा अरूले गरेको संसारको धेरैभन्दा धेरै भाषामा टप भएर चलेर अरूले हेरेर हेरोस्। पहली इन्डो नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 28 सितम्बर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। एक्चुअली फिल्म नेपाली में प्रेम गीत 1 प्रेम गीत 2 ये दोनों पार्ट हिट है। पार्ट 3 मैंने देखा जब हमारे लैब में काम चल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे लगा क्यों नहीं इंडो नेपाल एक ऐसी फिल्म वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज करें, ताकि नेपाल इंडस्ट्री के लिए भी ग्रोथ मिले, उसका डेवलपमेंट हो और वर्ल्ड वाइड ऐसे टैलेंट जो है जैसे प्रदीप है, क्रिस्टिना है, जैसे टैलेंट और आगे आए, उसके लिए मैंने प्रेजेंट किया और वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का प्रयास किया। करीना कपूर ने और एफएम की 3 का मजा कर अपने बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र का किया तारीफ, जो हाल ही में रिलीज हुआ है, जो एक मल्टी स्तर फिल्म है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कहा करीना कपूर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, जिसे सुनकर दर्शक भर गया। आज के वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। इसके बाद प्रदीप खड़का इस तरह फर्स्ट इंडो नेपाली फिल्म प्रेम की 3 फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने जा रहा है, जो पूरी नेपाली इंडस्ट्री वही करण जौहर ने इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा है कि ये फिल्म 3 करोड़ में कैसी बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। ओह माय गॉड, वाओ। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शक इतना इंतजार कर रहे हैं, तो ये फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। वही आपको बता दे, अभिनेत्री मनीषा करेला ने भी देखा प्रेम की 3 का ट्रेलर और सभी मेंबर्स को बधाई देती हुई भी नजर आई। तो चलिए गाइस वीडियो की आखिरी तरफ चलते, चलिए आगे बढ़ते हैं। करीना आंटी को ये बात पता नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दरअसल एक इंटरव्यू में करीना आ रहा है, तो उसके बारे में बताए तो करीना कपूर ने कुछ ऐसा कहा, मुझे पता नहीं कोई नेपाली मूवी आ रही अवतार 2 जो एक इपिक मूवी है। आप लोगों को क्या लगता है ये दोनों मूवी कौन किस पर भारी पड़ेगा, नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।